आपको सुनाई दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। इंसिडेंट के बाद आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या फील होता है। यू रेप एंड यू किल अ डॉक्टर, रियली? Have you forgotten that just few days back we had COVID? जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे, इसका तो एक सलूशन निकालना ही है एकदम, वही है हमारा डिमांड, जस्टिस। मिडनाइट में लड़कियां निकल नहीं सकती, रात को लड़के क्यों निकल रही है, इतना सारा क्वेश्चंस हर रोज लड़कियों को पूछा जा रहा है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारे लड़के भी हैं, हम लोग एक साथ मिडनाइट में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद या फिर इंसिडेंट के बाद? इंसिडेंट के बाद आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या फील होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्या करूँ समझ में नहीं आता, क्या करने से जस्टिस मिलेगा समझ में नहीं आता, लेकिन जो कर सकते हैं ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इट हैपेंड एट मिडनाइट, सो दैट्स अबाउट इट, एंड द कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम ऑफ वीमेन गोइंग आउट आफ्टर सनडाउन, till now it was about the villages and the the rural areas, but now it's happening in the middle of the city in a government hospital like RG Kaur. If this is happening inside the hospital premise, can you imagine what is happening to the women who are not even part of the city, who are probably staying in a village far away, who don't even have this empowered state where they can actually raise their voice and say something against it? This is barbaric. I do not know of any proper place where this sort of an incident can take place. You rape and you kill a doctor? Really? Have you forgotten that just few days back we had COVID? What would we have done had the doctors not been with us? We would have died. And you do this to the doctor? Aren't you ashamed of yourself?